हेलो बच्चों, तो कल आप सबका नीट का एग्जाम है। कुछ बच्चे इस एग्जाम की तैयारी 2 साल से कर रहे होंगे, कुछ 3 साल से, कुछ 4 साल, कुछ 5 साल, 6 साल। और कहने को तो मैं कह दूं कि सिर्फ एक पेपर है, इतना परेशान मत हो। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ। पर जो अभी सच है तुम्हारे मन में चल रहा है वो ये है कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो है क्योंकि उस चीज़ के पीछे तुम पागल थे पिछले 2, 3, 4 साल से। उसके पीछे तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है और कितने इमोशंस तुम्हारे जुड़े हुए हैं। आज दिन भर नर्वसनेस लग रही होगी, है ना? तो आज अपने वो फेवरेट सॉन्ग सुनो जिनसे तुमको एनर्जी मिलती है। ऐसे सॉन्ग सुनो जो तुमको मोटिवेट करते हैं। उन सॉन्ग्स को लूप में सुनो, खुद को हाईली एनर्जाइज रखो। अच्छा खाना खाओ, आज टाइम पे सो, पॉजिटिव सोचो आज के लिए। कल जो होगा सो वो होगा, है ना? आज के दिन को पॉजिटिव रखना इसलिए जरूरी है, वरना आज अगर नेगेटिव है ना तो कल 40-50 नंबर और ख़राब हो जाएंगे नर्वसनेस के कारण, है ना? तो कई बार मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती ही नहीं है, और कुछ चीज़ें होती हैं मतलब। अब आज तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, आज तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव रहो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ख़राब चीज़ है जब किसी क्लोज वन की डेथ होती है, तो फिर मैं यही कहता हूँ यार अलग ये चीज़ तेरे हाथ में थी नहीं भाई, मतलब कुछ नहीं कर सकते, लेट्स एक्सेप्ट दिस। तो अभी जो भी अपनी प्रिपरेशन का यहाँ पे हाल है ना, मॉक में अपने 600 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, जो है सो है, यही सच्चाई है ना इस टाइम पे। सो स्टे पॉजिटिव फ्रॉम हियर, थोड़ा बहुत रिवाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे म्यूजिक सुनो, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा मोटिवेट करेगा। एंड फिर कल का पेपर दे के आते हैं, और कल का पेपर बहुत अच्छा होगा तो भी सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो, नई जर्नी स्टार्ट है। कल का पेपर ठीक ठीक होगा तो भी सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो, और बहुत खराब होगा तो भी सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि नीट का या आईआईटी का ऐसा कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्वालिफाई नहीं किया लाइफ में, या क्वालिफाई किया तो मेरी कोई टॉप रैंक नहीं आई है, मैं किसी आईआईटी में नहीं गया, किसी मेडिकल में नहीं, स्टिल आई हैव मेड इट इनटू माय लाइफ। और ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शायद आईआईटी का एडवांस का पेपर नहीं फोड़ा, या जिन्होंने शायद नीट का पेपर नहीं फोड़ा, बट दे हैव मेड ब्रिलियंट इन देयर लाइफ। दे ओन अ मेडिकल हॉस्पिटल, दे ओन अ रिसर्च डिग्री, दे हैव डन ब्यूटीफुल इन देयर लाइफ। सो ऑफकोर्स दिस इज नॉट दी एंड, बट दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष, सारा प्यार, सारा मोहब्बत सब तुम्हारे साथ है। हम लोग साल भर इसी के लिए काम करते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।